Hi everyone. In this lecture, we discuss the next selective statement, if-elif-else statement. So before discussing if-elif-else statement, let's just summarize what we will study till now. Selective statements में हमने if statements और if-else statement के बारे में अभी तक पढ़ा है. If statements में हमारे पास only one condition होती है. अगर वो condition true होती है, then we will execute the if statement. अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है. इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि हमने पढ़ा था, उसमें हमारे पास टू चॉइसेस होती हैं. अगर कंडीशंस ट्रू होती है देन हम इफ पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज हम कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं. बट व्हाट हैपन व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस आर अवेलेबल. तो जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो उन मल्टीपल कंडीशंस को साइमल्टेनियसली चेक करने के लिए, वन बाय वन सीक्वेंस में चेक करने के लिए हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं. इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को हम, आप समझ सकते हैं कि इसको हम एक चेन कंडीशनल के लिए यूज कर रहे हैं. ओके, व्हाट इज चेन कंडीशनल? जहां पे कंडीशंस की चेन हो, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस अवेलेबल हो और मल्टीपल कंडीशंस में कोई एक कंडीशन जो हमें, कोई एक कंडीशन ट्रू हो सकती है, अदरवाइज जो है हम फिर से एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी द सिंटैक्स एंड आफ्टर दैट वी विल सी द फ्लो डायग्राम एंड एग्जांपल्स एज वेल. सो इफ, इसमें क्या क्या तीन टर्म्स है, इफ एलिफ एंड एल्स. और ये एलिफ जो है एल्स इफ का शॉर्ट नेम है, ठीक है. तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसकी, इसको जो अगर एल्सिफ बोलते हैं, पूरा बोलते हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में हम इसको शॉर्ट में एलिफ बोलते हैं और एलिफ ही हम यूज भी करते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले आएगा इफ, इफ के साथ उसकी कंडीशन. यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब है कंडीशन, और ये कंडीशंस जो हैं हमेशा बूलियन फॉर्म में होती हैं. इनके दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, आइदर दे विल गिव ट्रू, अदरवाइज दे विल गिव फॉल्स. अगर ये कंडीशंस ट्रू होती है देन वी विल एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ इफ. जो भी इस पर्टिकुलर इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसे हम रन करेंगे एंड वी विल कम आउट, हम इससे बाहर आ जाएंगे इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट से, ठीक है. लेट से कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन व्हाट विल हैपन. इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन होगी, और वो नेक्स्ट कंडीशन किससे स्टार्ट होती है, एलिफ से स्टार्ट होती है. तो एलिफ जो है आगे की कंडीशंस को हैंडल करता है. तो नेक्स्ट कंडीशन है टेस्ट एक्सप्रेशन वन, हम इसको इवेल्युएट करेंगे, और अगर ये ट्रू होती है देन हम इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी इसकी बॉडी होगी, उसे एग्जीक्यूट करेंगे. एज्यूम दैट कि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई. तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके बाद अगर जो नेक्स्ट अवेलेबल कंडीशन है एलिफ में, उसे हम इवेल्युएट करेंगे, और अगर वो ट्रू होती है देन उससे रिलेटेड बॉडी को हम एग्जीक्यूट करेंगे. सिमिलरली हमारे पास जितने भी कंडीशंस हैं हम उन कंडीशंस को जो है एलिफ के जरिए पुट कर सकते हैं. एंड इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, लेट्स से कि इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई, एल्स एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई, जितने भी एलिफ हैं यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी कंडीशंस फॉलो होगी, ठीक है. तो यहाँ पे डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे एन नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं एलिफ के जरिए. एंड इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स देन वी विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ एल्स, ठीक है. तो बॉडी ऑफ एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, अदरवाइज बॉडी ऑफ एल्स को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. ओके, सो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि वन बाय वन हम सीक्वेंस वाइज चेक करते जाते हैं, एंड इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन हम उससे रिलेटेड जो भी उसकी स्टेटमेंट बॉडी है उसे एग्जीक्यूट करते हैं. Now after seeing syntax of if elif else construct, now let's look at the flow diagram. ठीक है, तो इसको फ्लो डायग्राम भी बोल, इसको फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है. फ्लो डायग्राम में सबसे पहला इफ का कंडीशन है जिसको हमने डायमंड बॉक्स में रखा हुआ है. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन वी विल एग्जीक्यूट दी बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट से बाहर आ जाएंगे, और इस कंस्ट्रक्ट के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड्स होगे उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे. अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो हम फॉल्स के क्या करेंगे, नेक्स्ट डायमंड बॉक्स में एलिफ की कंडीशंस को चेक करेंगे। एंड बाय द वे यहाँ पे मैंने इफ और एलिफ मतलब दो ही कंडीशन लिए हैं फ्लो डायग्राम में, लेकिन आप दो से ज़्यादा को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हम एलिफ की बॉडी को रन करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे लास्ट में एल्स की बॉडी को रन करेंगे। ठीक है, तो इन जितने भी बॉडीज हैं यहाँ पे, बॉडी ऑफ इफ, बॉडी ऑफ एलिफ, बॉडी ऑफ एल्स, इनमें से कोई एक ही जो है एग्जीक्यूट होगा, एक से ज्यादा एग्जीक्यूट की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द आइडिया ऑफ एलिफ एल्स कंस्ट्रक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अ प्रोग्राम रिलेटेड टू इफ एलिफ एल्स कंस्ट्रक्ट।